बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका नया नजारा अमित शाह की इलाहाबाद रैली में देखने को मिला। बलात्कार की खबरों से आप सब ऊब गए होंगे। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार, लगभग हर राज्य में, हर शहर में बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। तो बेटी बचाने का नया स्वरूप इस तरीके से दिखा है, जहां अमित शाह की रैली के दौरान चंद छात्राएं काला झंडा दिखाने के लिए पहुंच गईं, किसी बात से नाराज रही होंगी, लेकिन उनकी नाराजगी के एवज में उन्हें मिला पुलिस का डंडा। क्या पुलिस यह उत्तर दे सकती है कि महिला पुलिसकर्मी कहां थी घटना के दौरान, या फिर सिक्योरिटी में ऐसी चूक कैसे हो गई कि ये लड़कियां वहां तक पहुंच गई, और अगर ये लड़कियां वहां पहुंच गई तो क्या यह तरीका है उनके साथ बर्ताव करने का? जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में बेटियों के साथ इस तरह का सलूक क्या जायज है? गौरतलब है, ये वही पार्टी है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ऐसे नारों के दम पर सत्ता में आई थी।